हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं एक नया स्मॉल कैप जिस कंपनी का नाम है कैल्पिन पॉइंट, उसके बारे में रिव्यू करते हैं। उसका शेयर का प्राइस अभी क्या है, आगे चल कर उसका उसमें कितना ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है और क्या हमारा प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी है। कैल्पिन पॉइंट एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मा बेस्ड कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे ऑइंटमेंट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब बनाते हैं। तो इसका मोस्टली बिजनेस जो है एक्सपोर्ट है, आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट 60% से, और चाइना को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया एक्सपोर्ट, उनका बिजनेस। उनका एक्सपोर्ट मेनली लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दूसरे दूसरे कंट्री में होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ पर है इंडिया में, तो पौंडीचेरी में उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। तो ये हो गया उनका बिजनेस के बारे में। तो आइए चलते हैं उनका, तो फार्मा सेक्टर में अब क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं भी अगर बोल भी दूंगा तो आप लोग को उतना नॉलेज सभी को नहीं होता है, नॉर्मल लोग को क्या ये प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है क्या होता है क्या नहीं होता है, इतना हम जानते हैं कि ये फार्मा बेस में है अभी ये, और उसका चल देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट। अब कल्पन पॉइंट का जो अगर रेवेन्यू देखेंगे, ईयरली बेसिस, ईयरली ये अपना जो रेवेन्यू है ग्रो कर रहा है। अब देखिए 2014 में ये 176 करोड़ का टर्नओवर था और प्रॉफिट 25 करोड़ के आसपास था। वहां से ये लोग इंक्रीज करते करते हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है। आज के डेट में उनका टर्नओवर जो है 1300 करोड़ के आसपास है और प्रॉफिट 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट अभी पहुंचा है। आगे चल के ये लोग का बिजनेस और भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे इसका टर्नओवर के साथ प्रॉफिट ही बढ़ेगी। जैसे ही ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो इसका प्रॉफिट भी ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। तो इसमें शेयर में तो इसका शेयर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो मेन फैक्टर है आप देखेंगे बैलेंस शीट में, मेन फैक्टर है वो है उनका डेट। डेट ऑलमोस्ट ऑल नील है, 1 करोड़ सिर्फ है, तो जीरो डेब्ट कंपनी इसको बोल सकते हैं। तो उनका मेन स्ट्रेंथ जो है जीरो डेब्ट है, तो बिल्कुल भी लोन नहीं है। तो पूरा का पूरा इनका इनकम है, इंटरेस्ट में ज्यादा पेबुल नहीं आता, ईबिटा से अच्छा इनकम। ईबिटा देखिए, ईबिटा से ईबिट देखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल सेम ही है। तो इंटरेस्ट इनमें ज्यादा एक्सपेंस नहीं होता है इनका इंटरेस्ट में। तो उनका टर्नओवर प्रॉफिट ऑलमोस्ट ऑल 300 करोड़ के आसपास है और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से वो 5000 करोड़ के आसपास है। तो 1300 और 1500 करोड़ का टर्नओवर में 5000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ही बुरा नहीं है लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है। उसमें शेयर का प्राइस बढ़ना अपॉर्चुनिटी है तो भी। अब आते हैं शेयर के प्राइस के ऊपर, ये रहा उसका शेयर चार्ट, ये वीकली वीक चार्ट है। अब देख सकते हैं कैसे ये शेयर एक पॉइंट पे जाके इधर से 750 के आसपास जाके करेक्शन किया, एक डेढ़ साल पूरा, 2 साल के 2017 मिड से लेके 2019 तक किया, 1920 से वहां से फिर से एक ग्रोथ लिया, फिर करेक्शंस किया ऑलमोस्ट ऑल 400 करोड़ पर, 650 680 से लेके 450 तक करेक्शन किया, फिर एक उछाल लिया, फिर अभी करेक्शन किया, अभी फिर से वो उछाल लेने की तैयारी जैसा लग रहा है। ये देखिए, पहले इस चैनल के अंदर काम करता था, अभी ये यहाँ से बाहर जा रहा है। तो हम लोग को उसको नजर में रखना है, या कैश पोजीशन थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं इसमें। अब जैसे ही ये ऊपर की तरफ चलेगा हम लोग उसमें, ये देखिए अभी ये यहाँ पर डबल डब्लू बना रहा है, डबल बॉटम लगा दिया 700 का लो लगा के, यहाँ से धीरे अभी का अगर मार्केट, अगर बहुत मार्केट में ज्यादा गिरावट नहीं आया, मार्केट वीक नहीं हुआ, तो ये यहाँ से ऊपर चलने का बिल्कुल तैयारी जैसा है। अब देखिए यहाँ से 850 से भी एक बार करेक्शन हो गया, तो
अभी तैयारी जैसा है, 750 से आगे ऊपर की तरफ निकलेगा, इसी रेंज से एक आधा दिन और रुक सकता है, तो धीरे धीरे नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा। तो आप इसमें ये 200 मूविंग एवरेज जैसे ही क्रॉस करेगा, इसके ऊपर सपोर्ट लेना स्टार्ट करेगा, यहाँ से वैसे जाएगा, फिर से एक बार सपोर्ट लेने का कोशिश, वहां से हम केस पोजिशन बना सकते हैं, आप इसको नजर में रख सकते हैं, थोड़ा लंबा शॉर्ट टर्म या थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए केस पोजिशन बना सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, एक बार उछल आता है तो उसमें एक बार शेयर चलता है तो 100% चल जाता है एक बार, ये देखिए जब भी ये चलता है डबल हो जाता है। उसका हर डबल ही होता है मोस्टली। तो यहां से अगर एक बार चलेगा तो सीधा सीधा 1,000 टारगेट है, जो छोटा टारगेट 850 है, जो बड़ा टारगेट है 1,000 है, उससे ऊपर एक बार रखेंगे अगर चलेगा तो। 1,000 तो हम मान के चलते हैं ये, क्योंकि 850 को ज्यादा नहीं, शायद 850 के आसपास एक बार करेक्शन होगा, फिर से यहाँ सपोर्ट बनाएगा 750 में, और सीधा 1,000 के क्रॉस करने का चांसेस है। तो इस पे हम लोग नजर रख सकते हैं, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, फार्मास्यूटिकल अच्छे, अभी फार्मास्यूटिकल सभी अपना ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक में देखेंगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें आप नजर रख सकते हैं, केस में पोजीशन धीरे धीरे बना सके, जैसे ही ऊपर चलेगा हम लोग उसमें केस पोजीशन बना के बैठेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट आगे आगे आने वाले दिनों में मिलेगा हमको, ये कल्फिन पॉइंट है। तो ये हो गया आज का जो वीडियो, जो जैसे मैं बोलता हूँ, मेरा हर वीडियो में जब भी मुझे एक स्मॉल कैप स्टॉक में कुछ प्रॉफिट का नजर आता है तो मैं आपके सामने लाता हूँ, ताकि आप लोग इन्वेस्ट कर पाए, जो डे टू डे ट्रेडिंग नहीं कर पाए, जॉब करते हैं या दूसरा बिजनेस या दूसरा किसी प्रोफेशन में डे टू डे ट्रेडिंग नहीं कर पाते, तो वो लोग जितना स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, जिसमें प्रॉफिट मिल सकता है कुछ टाइम के बाद, मैं उनके साथ नजर मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपको अच्छा लगा तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें नजर में रख सकते हैं थोड़ा बहुत शेयर, क्योंकि जिस पॉइंट से हम लोग बोलते हैं उसी से नहीं ऊपर नहीं चल सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में उसी एरिया के अंदर, जैसे इस एरिया के आसपास में अभी ऊपर की तरफ 700-750 के बीच में घूम के ऊपर की तरफ चल सकता है, क्योंकि मार्केट में गिरावट आए तो थोड़ा बहुत शेयर भी गिर जाता है, मार्केट में कल से ही मतलब नेक्स्ट वीक से ही उछाल मतलब तेजी आ जाएगा, तो ये शेयर उसी के साथ चल पड़ते हैं, फिर रिटर्न नहीं होते हैं। तो ये रहा शेयर का, हम लोग रिव्यू करते हैं आगे 15-20 दिन, 1 महीने के बाद फिर से रिव्यू करेंगे, उस टाइम शेयर का पोजीशन कहाँ है, मार्केट का पोजीशन कहाँ है, तो शेयर आने वाले टाइम भी कैसे हो सकता है, ये सब रिव्यू हम करते हैं। आप हमारा वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आया हो तो, सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।